लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही देश के हर लोकसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों में चुनावों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली में सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने लोकसभा में जनता के बीच जाकर जनसंपर्क में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने दक्षिण दिल्ली से अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनाव की तैयारी में लग गई है। दिल्ली के कालकाजी के श्रीनिवासपुरी वार्ड में कालकाजी विधानसभा अध्यक्ष देवेंद्र तनवर द्वारा पैदल मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कालकाजी विधायक सरदार अवतार सिंह कालका व आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। बता दें कि कालकाजी विधानसभा में 11 कैंप है, जिनमें से 6 कैंपों में राघव चड्ढा पहले ही पैदल मार्च कर जनता के बीच गए और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। शनिवार को राघव चड्ढा ने श्रीनिवासपुरी के 5 कैंप इंदिरा कैंप फर्स्ट, इंदिरा कैंप सेकंड, इंदिरा कैंप थर्ड, कपूरी ठाकुर कैंप, कालीचरण कैंप समेत अन्य कॉलोनियों में पैदल मार्च कर जनता के बीच जनसंपर्क किया व आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगा। इस मौके पर वहां भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनिवासपुरी, कालकाजी के श्रीनिवासपुरी में। आपको बता दें यहां पे आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार राघव चड्ढा जी के द्वारा एक पदयात्रा निकाली गई है पूरे श्रीनिवासपुरी जो वार्ड है यहां पर। आइए बात करते हैं आज के जो इनके पदयात्रा है इसको लेके। सर, आज जो आपके द्वारा यहां पे एक पदयात्रा निकाली गई है, कहां कहां पदयात्रा निकाली गई है? देखिए, कई सारे कैंप्स आज हमने कवर करे हैं श्रीनिवासपुरी वार्ड में, और पूरी पार्टी पूरे दल बल के साथ आज जमीन पे उतरी और हम लोगों से मिले हैं। लोगों को आम आदमी पार्टी ने अपने आने वाले 2019 के चुनावों के मद्देनज़र क्या क्या वादे हैं उनके बारे में जानकारी दी। 4 साल के जो हमारा अच्छा काम रहा है उसके बारे में बताया, और लोगों ने खूब प्यार आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को आज दिया। आप हमारे साथ थे, आपने खुद अपनी आँखों से देखा कि खुद लोग घर से निकल कर मालाएँ पहना रहे थे और कह रहे थे कि आप जहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं, हम झाड़ू का बटन दबाएंगे, आप और जगह ध्यान दो, हम तो झाड़ू वाले हैं। तो इतना अपार जन समर्थन जनता का मिल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 2019 के चुनाव में पूरी दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सर, वर्तमान सांसद रमेश बिदुरी जो दक्षिण दिल्ली के हैं, उनके द्वारा जो 4 फेज की जो मेट्रो है इसके ऊपर उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो अपने हिस्से का आधा पैसा नहीं दे रहे, इसलिए 4 फेज की मेट्रो को देरी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अनर्गल बयानबाजी कोई भी नेता कर सकता है, देश आज़ाद है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो मर्जी बोलिए, पर ज़रूरी नहीं है कि वो जो बोलते हैं वो सत्य हो। अरविंद केजरीवाल जी की वजह से, आम आदमी पार्टी सरकार की वजह से आज फेज 4 वास्तव में एक रियलिटी बन पाया है, जिसके चलते हमारी दक्षिणी दिल्ली में भी दिल्ली मेट्रो दौड़ेगी। 2019 के नए साल की सौगात अरविंद केजरीवाल जी ने दक्षिणी दिल्ली की जनता को दी है। दक्षिणी दिल्ली की जनता जानती है कि झाड़ू वाली पार्टी ही गरीब की पार्टी है, आम आदमी पार्टी ही है जो जनता के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पिछले 5 साल में यदि जनता के बीच भी गए हो तो आप मुझे बताइए, कोई एक जनहित का काम भी करा हो तो बताइए। अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किए गए कामों का श्रेय लूटने के लिए, वहाँ पर ये भ्रम फैलाने के लिए जनता में कि ये काम मैंने करवाया, ये बड़ी घटिया छोटी राजनीति है। जनता इस राजनीति से वाकिफ है और जनता ये सब देख सकती है। सर, हर मंच के माध्यम से वर्तमान सांसद जो हैं अरविंद केजरीवाल जी पे सीधा सीधा अटैक करते हैं, सीधे से निशाना लगाते हैं। जो बधाई वाले होर्डिंग उनके हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, हर गलियों में लगाए गए हैं, उसके ऊपर विवादित बयान देते हैं, क्या कहेंगे इस पर? वो उनकी बौखलाहट दिखाता है, वो प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी उनको टिकट दे दे, पर हमें खबर ये आ रही है कि उनकी टिकट भी कटने वाली है। जनता इतनी परेशान है उनसे, उनकी इतनी बुरी हालत है दक्षिणी दिल्ली में कि भाजपा शायद उन्हें इस बार टिकट भी ना दे 2019 के चुनाव में लड़ने के लिए, और इस बौखलाहट से वो परेशान होकर इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनको अच्छे स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ, बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएँ, मानसिक तौर पर भी ये मेरी कामना रहेगी। ATC कैंप में गए थे, कालीचरण कैंप में गए थे, और एक और कैंप है, मतलब 3-4 कैंपों में आज हमने यहाँ पे यात्रा निकाली है, और लोग बड़े उत्साहित हैं, कहते वोट आने का दिन दो हमारे को, उस दिन हम बताएंगे कि झाड़ू को वोट डाल के कैसे जिताना। और लोग बड़े खुश हैं कि एक बार चुनाव का माहौल बन रहा है, और आम आदमी पार्टी के कार्यों से बहुत खुश हैं जो अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं। यहाँ की जितने भी अपना शौचालय थे हमने बड़े अच्छे तरीके से उनको बना दिया, नए कर दिए, और रोड्स बना दिए, सब पानी की व्यवस्था सब कुछ ठीक कर दिया है, और लोगों के अंदर एक जागृति आई है कि ऐसी सरकारें अगर आएँगी, केजरीवाल जैसी की सरकार जो है, तो उनको एक वैसे ही एक एक्साइटेड हैं वो लोग कि अगर हमारे पूर्ण राज्य की बात चल रही है जो इन्होंने पहले कहा था पर लोगों को मालूम नहीं था, पर आम आदमी पार्टी ने आके बता दिया कि पूर्ण राज्य का मकसद क्या है,
क्यों चाहिए पूर्ण राज्य है, तो उसमें हमारे को DDA की जगह चाहिए हॉस्पिटल बनाने के लिए। अगर हमारे मोहल्ला क्लिनिक की बात आती है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिए जाते, जगह नहीं मिलती। तो जब हमारे सांसद आएंगे, अभी हमारी विधानसभा में कालका जी में 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है जो 2011 में बना था, तो वो अब इन्होंने अरुण जेटली ने उद्घाटन किया था और रमेश भिदौड़ी ने, आज तक वो स्टार्ट नहीं हुआ। हम कई बार इनको कह चुके हैं कि ये हॉस्पिटल चालू करो, ताकि जब बीमारी का समय आता है तो बड़ी मुश्किल होती है लोगों को। आज 2019 है तो 8-9 साल हो गए उसको हॉस्पिटल को अपने ऐसे ही वो चल रहा है, सिर्फ 5 बेड लगा रखे हैं वहाँ पे। और हमने LG साहब को भी कहा कि इसको चालू करवाइए, और MP साहब को चाहिए खुद कि अगर वो इस क्षेत्र के सांसद थे तो उन्होंने क्या किया, खुद उद्घाटन किया। ऐसी क्या अपना वो आ गई थी कि हॉस्पिटल उद्घाटन करने के लायक हो गया कि अपने उद्घाटन करके उसका श्रेय लेना चाहा इन्होंने, पर उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। लोग परेशान हैं और आम आदमी की पार्टी की सरकार जो कहती, जैसे राघव जी ने भी कहा, ये खुद उसमें इनिशिएटिव लेते हैं, सरकार के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के करीबी भी हैं, और जो ये कहते हैं वो करते हैं। जो आम आदमी पार्टी ने कहा वो किया है। आने वाला समय है, जो राघव चड्ढा जी हमारे सांसद दक्षिण दिल्ली से आएंगे, और जो हमारा हॉस्पिटल है, जो रोड्स हैं DDA के, जो DDA की जगह चाहिए हमारे को अपना कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। निवासपुरी वार्ड के अंदर 11 कैंप पड़ते हैं। अभी पिछले दिनों राघव चड्ढा जी ने, जो हमारे दक्षिण दिल्ली के उम्मीदवार है, उन्होंने अभी 6 कैंपों का दौरा किया था, बाकी आज 5 कैंपों का दौरा आज किया है, जिसमें उन्होंने एक सबसे पहले मैसेज था कि मैं हर जगह जाऊंगा, कोई सी जगह ऐसी नहीं छूटेगी जो मैं अपने विधानसभा के अंदर नहीं जाऊंगा। आपने देखा होगा कि ऐसी ऐसी इन कैंपों के अंदर ऐसी ऐसी गलियाँ थी जो मुश्किल से 1.5 या 2.5 फुट के अंदर थी, उन कैंपों के अंदर से भी सिर झुका के गए वहाँ पर। और आपने देखा होगा कि हर कैंप में बहुत सारे कार्य दिल्ली सरकार ने किए, अरविंद केजरीवाल जी ने और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अवतार सिंह कालका जी ने बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम करे हैं। आज गुरुद्वारा कैंप के अंदर हमारा एक छोटा सा वहाँ पर जनता के बीच संवाद था, उस संवाद में आपने देखा होगा कि उस कैंप के अंदर 40 साल से एक भी शौचालय नहीं बना था, पर हमारी 4 सालों के समय पर हमने 2 शौचालय बना दिए हैं। उस गुरुद्वारे कैंप में हर मैं खुद जाता था, कई बार मेरे पास फ़ोन आते थे क्षेत्रीय, मैं सोशल वर्कर होने के नाते उनके बीच में जाता था कि भैया यहाँ पर एक भी शौचालय नहीं है, रेल की पटरी के नीचे यहाँ पर लोग कट जाते हैं। तो दिल्ली सरकार ने, विधायक अवतार सिंह कालका जी ने वहाँ पर शौचालय बनाए, कैंप सारे 11 के 11 कैंपों के अंदर गलियाँ बनाई, नालियाँ बनाई, बहुत अच्छे अच्छे काम करे। आपने खुद वहाँ के लोगों से देखा होगा कि लोगों के अंदर कितना जज्बा है। आम आदमी पार्टी इस बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिससे दक्षिण दिल्ली के उम्मीदवार हमारे राघव चड्ढा जी हैं और एक CA पढ़े लिखे उम्मीदवार है। आपने उनके अंदर जज्बा देखा होगा कि हर जगह पहुंच रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर दक्षिण दिल्ली से राघव चड्ढा जी हमारे बीच में आते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा उम्मीदवार होगा जो अपने क्षेत्र के अंदर, पूरी दक्षिण दिल्ली के अंदर हर क्षेत्र में पहुंचकर अपनी दस्तक दे रहे हैं। जो आज तक किसी भी लोकसभा आज़ादी से लेकर आज तक जितनी भी लोकसभा के चुनाव हुए, कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी सांसद नहीं आया होगा। पर मैं बताना चाहता हूँ, एक युवा साथी है, पढ़ा लिखा है और इंडिया करप्शन से जुड़ा हुआ है, जब से अन्ना आंदोलन था उससे जुड़ा हुआ है और पुराना आम आदमी का चेहरा है। तो मेरा एक निवेदन है सभी क्षेत्रवासियों से, राघव चड्ढा जी को जिताए, आम आदमी पार्टी को जिताए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बार सत्ता में आई तो जो भाजपा ने बोला था कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, वो जो हर बार मोदी जी जुगलेबाजी करते हैं, इस कार्य को भी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और 7 सांसद, जब दिल्ली की आवाज़ उठेगी तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसे दिल्ली में बिजली हाफ पानी माफ हुआ था, इसी तरीके से उन राज्य का दर्जा भी दिल्ली को मिलेगा। कालका जी विधायक सरदार अवतार सिंह कालका व आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राघव चड्ढा ने लोगों के बीच जाकर लोगों के हालातों को जाना और कैंपों में सुधार करने की बात कही, जिससे कैंप की जनता में एक नई उम्मीद देखने को मिली। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहे हुंकार 24/7 हर खबर के साथ। धन्यवाद।